आज बात करेंगे पावर ग्रिड के बारे में और साथ में इसका स्टॉप लॉस और टारगेट भी देख लेंगे अगले दिन 11 अक्टूबर के लिए। इसका जो प्रीवियस क्लोज सबसे पहले हमें नज़र आता है वो है 209 का और इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो थोड़ा घट के यहाँ से शुरू होता है। शुरुआत इसकी बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ नहीं हुई लेकिन एक लीप के साथ ज़रूर शुरू हुआ था और इस लीप ने एक काम इसके लिए अच्छा किया, शुरुआत में ही एक अच्छा मेडियन चूज़ करा के दिया और वो ये वाला लाइन था। तो ये जो यहाँ पे दो लाइन आपको नज़र आता है उसमें से जो बीच का लाइन है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि ये था 209 का, तो 209 का जो नंबर है इसके लिए ठीक ठाक रहा था। हाँ, एक बार आया था कि जहाँ पे ये 212 के लाइन को ब्रेक अप करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ से फिर वापस इसको वापस आना पड़ा, फिर से 209 के मेडियन को पकड़ के आगे बढ़ने की तलाश में फिर ये जाने लगा। अब इसके अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपका अब यहाँ पे स्टॉप लॉस या आप टारगेट कितना लगा पाएंगे फ़िलहाल सिनेरियो को देखिए, क्योंकि मार्केट में फिर से जब ये आने वाला है तो फिर ये डाउन ट्रेंड करेगा। कल जब मार्केट में आएगा तो डाउन ट्रेंड के साथ शुरू होगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपना एक खेल रखना है। आप इस यहाँ पर कल का जो स्टॉप लॉस होगा वो आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना रख पाएंगे, 207 का। जी हाँ, 207 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ से फिर आप आसानी से 212 का एक टारगेट रख सकते हैं जो अचीवेबल है, बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना आपका है कल टारगेट को पूरा करने में, टारगेट आसानी से आपका पूरा हो जाएगा ऐसा आज के हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है।